का हो वो सिर्फ और सिर्फ खान साहब के मशवरे के साथ हम करते हैं, उनके रजामंदी के साथ और उनके हिदायत के मुताबिक हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हमने हुकूमत संवेदे पे गौर किया है, हमने ये कहा था कि खान साहब ने जो कल डायरेक्शन हमें दी थी, जिसके नतीजे में खान साहब ने यही कहा था कि मैं पहले अपने पार्लियामान और असम्बलियों में अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा, हम और मजीद कंसल्टेशन करेंगे तो उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमने इस बिल पे अपना पूरा मौके देना है, इसको सपोर्ट करना है या इसको नहीं सपोर्ट करना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक असूली मौके ले चुकी है, जिस तरीके से इस बिल को मो किया गया, जिस तरीके से इसको प्रोसेस किया गया, जिस तरीके से कमेटियों में गुजारा गया, जिस तरीके से बार बार टाइम चेंज किए गए, जिस तरीके से हमारे मिनेज और सेनेटर को हरासा किया गया, उठाया गया, इसकी हमने शदीद मजम्मत की है। हमने मुतालबा किया है कि पहले इससे कि हमारी तरफ से इस पर कोई वर्शन हो, हमारे मिनेज और सेनेटर हमारे पास वापस आ जाए। आज मौलाना साहब के साथ इस सिलसिले में हमारा एक तवील नशिस्त रहा है, हमने और मौलाना साहब का साथ इंशाल्लाह हमेशा की तरह रहेगा, लेकिन जहाँ तक आज जब भी